ये कहानी है दो बहनों की, जोना जो अभी रिसेंटली रिहैब सेंटर से आई थी क्योंकि उसे ड्रग और शराब की बुरी आदत लग गई थी, और जोना की छोटी बहन ब्री थी जिसकी अभी रिसेंटली एंगेजमेंट हुई थी। ब्री एक पब्लिक स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने आई हुई थी, वो अक्सर वहाँ आया करती थी। स्विमिंग करने से पहले ब्री अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार कर रख देती है और स्विमिंग करने चली जाती है। दूसरी तरफ ब्री की बड़ी बहन जोना उसे पिक करने आई थी। कुछ देर कार में उसका इंतजार करने के बाद वो भी अंदर आ गई, तो ब्री ने उसे भी स्विमिंग के लिए बुलाया। उसके बाद दोनों बहनें स्विमिंग करने चली गई। ब्री आज बहुत खुश थी, वो जोना से कई दिनों बाद मिली थी और उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाना चाहती थी। पूल का मैनेजर छुट्टी की नोटिस लगा रहा था, आज के बाद पूल कई दिनों तक बंद रहेगी। कुछ देर में पूल बंद होने का टाइम हो गया था। मैनेजर सब लोगों से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन जोना अभी अभी आई थी इसलिए वो कुछ देर और रुकना चाहती थी, लेकिन मैनेजर नहीं मानता, जिसके बाद वो मैनेजर को भी बुरा भला बोल देती है। जोना जुबान की बहुत तेज थी और ब्री सॉफ्ट नेचर की थी। क्लेयर नाम की एक जेनिटर लॉस्ट लगेज रूम से पैसा चुरा रही थी। मैनेजर उसे देख लेता है। क्लेयर ने ऐसे पहले भी कई बार पैसे चुराए थे, इसलिए मैनेजर उसे इस बार माफ नहीं करता और कहता है कि आज उसकी जॉब का लास्ट दिन है, आज के बाद उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा, लेकिन जाने से पहले आज के दिन का काम वो खत्म करके जाएगी। मैनेजर फिर से जोना और ब्री को एक बार और बाहर निकलने के लिए कहता है। सारे लोग चले गए थे, वहाँ बस ये दो बहनें ही बची थी। जब दोनों बाहर निकलती हैं तो ब्री देखती है कि उसकी एंगेजमेंट रिंग मिसिंग है, जिसे वो यहाँ वहाँ खोजने लगती है। तभी उसे पूल के अंदर एक मेटल ग्रेट में फंसी हुई उसकी रिंग नजर आती है। वो तुरंत उसे निकालने के लिए पानी में कूद गई। रिंग फंस गई थी इसलिए निकल नहीं रही थी। जब काफी देर तक ब्री बाहर नहीं निकली तो जोना भी फिर से पानी में चली जाती है। अब दोनों मिलकर उस रिंग को निकालने की कोशिश कर रही थी। पूल के मैनेजर ने यहाँ वहाँ हर जगह देखा कि कोई बचा तो नहीं है, फिर उसने जाकर पूल को भी लॉक कर दिया। वो दोनों पूल लॉक होता हुआ देख ऊपर जाती हैं, लेकिन जब तक वो ऊपर जाती तब तक पूल लॉक हो चुका था। जोना चिल्लाती रह जाती है। ब्री यहाँ रोज आया करती थी, इसलिए उसे पता था कि इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं होगा, इसलिए चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं है। उसके बाद वो दोनों उस कवर को हटाने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन वो बहुत हैवी था क्योंकि वो फाइबर ग्लास से बना हुआ सॉलिड कवर था जो आसानी से टूटने वाला भी नहीं था। जिसके बाद जोना ब्री के ऊपर चिल्लाने लगती है कि अगर वो इस फालतू रिंग के पीछे नहीं गई होती तो दोनों मुसीबत में नहीं पड़ते। ब्री कहती है कि ये उसकी एंगेजमेंट रिंग थी, उसके लिए ये बहुत मायने रखती थी। उसके बाद दोनों सिस्टर मिलकर कवर की कोई वीक पॉइंट सर्च करने लगती हैं। उन्हें एक होल मिलता है, लेकिन ये इतना छोटा था कि उसमें उनका हाथ भी नहीं जा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद वो दोनों हार मान लेती हैं। तब पछतावे में आकर जोना ब्री को बताती है कि वो ब्री से जलती थी क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट लाइफ थी, उसका बीएफ है और अब उसकी शादी भी होने वाली है, जबकि जोना फालतू की ड्रग एडिक्शन में फंसी हुई है जिसकी वजह से उसे बार बार रिहैब जाना पड़ता है। जोना ने जलन के मारे रिंग पानी में फेंक दिया। ये सुनकर ब्री को गुस्सा आया और वो फिर से अपनी रिंग लेने गई। इस बार वो अपने फंसे हुए रिंग को निकाल लेती है, लेकिन मेटल ग्रेट को देखकर उसको आइडिया आता है कि अगर वो इस ग्रेट को उखाड़ ले तो वो आसानी से इस फाइबर ग्लास को तोड़ सकती है। जिसके बाद ब्री उस मेटल ग्रेट को उखाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतना हैवी है कि उससे हिलता भी नहीं। कुछ देर बाद वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो आपस में झगड़ा बंद करके वहां से निकलने का कोई रास्ता खोजेंगी। समय बीतता जा रहा था, अब शाम हो गई थी। शाम हुई तो पुल की लाइट ऑफ हो गई। जोना को लगा कि वहाँ कोई है, लेकिन ब्री जानती थी कि वहाँ की लाइट ऑटोमेटिक है जो अपने आप ही बंद हुई है। ब्री का फियांसे डेविड था जो उसे लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फोन तो बैग में ही छूट गया था। जिसे देख के जोना कहती है कि वो ब्री की सच में केयर करता तो उसे ढूंढने के लिए आता, बैठकर बस कॉल पर कॉल नहीं करता। एक्चुअली जोना स्टार्टिंग से डेविड को पसंद नहीं करती थी, वो उन दोनों से ही जलती थी। अब दोनों में फिर से डेविड को लेकर बहस होने लगी। कुछ देर बाद ब्री को सिर दर्द होने लगी। ब्री ने तब जोना को बताया कि उसे 3 साल पहले डायबिटीज हो गया था, जिसके बाद उसे रेगुलर इंसुलिन के इंजेक्शन लगानी पड़ती है। अगर उसकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ा तो वो डायबिटिक कोमा में चली जाएगी। इस वक्त इंसुलिन की इंजेक्शन उसके बैग में ही थी, लेकिन वो लगा नहीं सकती बेचारी।
ये सुनकर जोना शॉक हो गई। वो ब्री को दिलासा देती है कि वह जल्द से जल्द उसे इंजेक्शन लगवा देगी, लेकिन कैसे ये उसे भी नहीं पता था। जिसके बाद जोना प्लास्टिक का टुकड़ा तोड़कर और उस छोटे से होल को बड़ा करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो इतना सख्त था कि एक इंच भी बड़ा नहीं हुआ। कुछ देर बाद जोना ब्री से पूछती है कि उसके रिहैब जाने के बाद फैमिली का क्या हाल था। ब्री बहुत दुखी होकर अपने फादर के बारे में बताती है। उसके डैड एक अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट थे। जोना के रिहैब जाने के बाद उसके डैड की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उनके रहते हुए दोनों बहनों की लाइफ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए जोना को उनके जाने का ज्यादा दुख नहीं होता। शायद उसे ये बुरी लत उनसे ही लगी थी। अचानक उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज आई। ये वही जेनिटर थी जो अभी तक सफाई कर रही थी। क्लेयर जाने वाली ही थी कि ब्री का फोन बजने लगा। वो जब उसे देखने गई तो जोना और ब्री जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। पहले तो क्लेयर उन्हें देख के हैरान होती है, लेकिन क्लेयर बहुत बुरे वक्त से गुजर रही थी। उसका एक बच्चा था और वो चोरी के इल्जाम में कुछ दिनों पहले जेल से छूटकर आई थी, इसलिए उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब थी। उसने जब ब्री के सामान में पैसा और मोबाइल देखा तो उसके मन में लालच आ गई। उसने तभी देखा कि सीसीटीवी कैमरा भी ऑन है, इसलिए उसने जाकर पहले कैमरा बंद किया, फिर उनके बैग से पैसे और क्रेडिट कार्ड को चुरा लिया। फोन लेकर वो उसका पिन मांगने लगी। ब्री बताने वाली थी, लेकिन जोना ने उसे रोक दिया क्योंकि जोना को उसके बिहेव को देख के उसके ऊपर डाउट हो रहा था। तो क्लेयर उन्हें कहती है कि वो कॉल करके उनके लिए हेल्प मंगवाएगी, इसलिए उसे कोड चाहिए। जब वो दोनों कोड नहीं देती तो क्लेयर जाके रूम हीटर बंद कर देती है, जिसके बाद उन्हें ठंड लगने लगी। जब उन दोनों से ठंड बर्दाश्त नहीं हुई तो मजबूरी में आकर ब्री ने उसे पिन दे दिया, जिसके बाद भी क्लेयर उनकी हेल्प नहीं करती। वो अपना दुखड़ा रोने लगी कि उसका एक बच्चा है, उसे बिल पे करने हैं, इसलिए उसे पैसों की जरूरत है। वो दोनों कहती हैं कि अब तो उसे जो चाहिए था वो मिल गया, वो उन्हें आजाद कर दे, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि वो कल अपने बिल्स पे करेगी, फिर उनकी हेल्प करने का सोचेगी। वो ब्री के कार्ड से पैसे लेने के बाद कार्ड वापस दे देगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। वो दोनों हेल्प के लिए चिल्लाती रह गई। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो दोनों रात भर क्लेयर के वापस लौटने का इंतजार करती रही। कुछ रात जाने के बाद ब्री की तबीयत खराब होने लगी थी, जिसे देख के जोना फिर से मेट्रो ग्रेड को उखाड़ने की कोशिश करती है। क्लेयर ने हीटर भी बंद कर दिया था, इसलिए ब्री से ठंड के मारे वो मेटल ग्रेड खिसक भी नहीं रही थी। जोना को अब खुद के ऊपर गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि वो किसी काम के लायक नहीं है, ना उसने जिंदगी में कुछ किया है और ना ही कुछ कर पाएगी। तो ब्री उसे समझाती है। अब दोनों सिस्टर अपने बीच की लड़ाई भूलकर एक दूसरे को हिम्मत दे रही थी। सुबह फिर से क्लेयर आई थी। वो जोना और ब्री के इस हालत पर हंस रही थी। जोना क्लेयर से रिक्वेस्ट करती है कि वो ब्री की इंसुलिन इंजेक्शन उसे दे दे, लेकिन क्लेयर ने इतना करने से भी मना कर दिया। उसे ब्री के अकाउंट में सिर्फ $80 मिले थे, इसलिए वो उनकी कोई भी हेल्प नहीं करेगी। वो कहती है कि उन दोनों जैसी बेवकूफ लड़कियों को तो ऐसे ही मर जाना चाहिए। जिसे सुनकर जोना को फिर से गुस्सा आया। वो क्लेयर को मजा चखाना चाहती थी, जिसके बाद उसने प्लास्टिक के टुकड़े को तेज किया और फिर रोने का बहाना करके क्लेयर को पुल के पास बुलाती है और क्लेयर को उसका कान पुल कवर के होल पर लगाने के लिए कहती है। जैसे ही क्लेयर अपना कान पुल पर रखती है, जोना उस नुकीली प्लास्टिक से उस पे वार कर देती है, जिसके बाद क्लेयर के कान से खून निकलने लगी थी। वो वहाँ से दर्द में चिल्लाते हुए भाग गई, लेकिन अब उनसे वो इस बात का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने पुल की क्लीनिंग सिस्टम को ऑन कर दिया। पुल में बने हुए छोटे छोटे होल्स में से क्लोरीन और ब्लीचिंग एजेंट निकलने लगे, जिसकी वजह से इन दोनों का दम घुट रहा था। दोनों बहनें हेल्प के लिए क्लेयर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। क्लेयर जानती थी कि वो दोनों मर भी सकती हैं, इसलिए वो कुछ मिनटों के बाद उस सिस्टम को बंद कर देती है। अब क्लेयर को अपनी इस मेहरबानी के बदले में कुछ चाहिए था। वो उनसे उनकी सबसे कीमती चीज मांगती है, जो ब्री की एंगेजमेंट रिंग थी। ब्री देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अब और टॉर्चर बर्दाश्त करने की हालत में नहीं थी। रिंग लेने के बाद क्लेयर उन्हें फिर से पूल में ही छोड़कर चली गई। जोना अब खुद को इन सब के लिए ब्लेम करने लगी, क्योंकि पहले तो उसने ही रिंग को पूल में फेंक दिया और अब उसकी गलती की वजह से रिंग क्लेयर ले गई। ब्री उसे समझाते हुए कहती है कि उसने उसे उसकी हर गलती के लिए माफ कर दिया।
और गलती तो दोनों की ही थी। अब कुछ घंटे बीत चुके थे। ब्रे को हेलुसिनेशन होती है कि डेविड वहाँ उन्हें लेने आया है, लेकिन उसे जोना नजर नहीं आ रही थी। वो उसे तलाश करने लगती है, तभी उसकी आंखें खुल जाती है तो वो देखती है कि जोना सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। जोना अपने गर्दन पर नुकीली प्लास्टिक रख के खड़ी थी। ब्रे जोना को कहती है कि वो दोनों बचकर यहाँ से निकल जाएंगी, उसे अभी हिम्मत नहीं हारना है। तो जोना कहती है कि अगर वो यहाँ से बचकर निकल भी गई तो क्या होगा, ब्री की तो वेल सेटल लाइफ है, वो शादी करेगी, खुश रहेगी। लेकिन जोना फिर से अकेली होगी और फिर से ड्रग लेना स्टार्ट कर देगी। उसे लगता था कि ब्री डेविड से शादी करने के बाद उससे दूर हो जाएगी, यही वजह थी कि वो डेविड को पसंद नहीं करती थी। ब्री कहती है कि उसे हमेशा से जोना की जरूरत थी और वो अब भी उसके साथ रहना चाहती है और उन दोनों बहनों को जिंदगी भर कोई अलग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लेयर ब्री की रिंग को पहन रही थी, तभी फिर से डेविड का कॉल आता है, जिसके बाद वो डेविड के वॉइस मेल को चेक करती है। उसे पता चलता है कि डेविड को जब ब्री उसके घर पर नहीं मिली तो उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। क्लेयर को लगता है कि वो जेल जा सकती है और फिर से एक बार वो जेल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उन दोनों के पास फिर से जाती है और उनसे कहती है कि वो पूल कवर को खोल देगी अगर वो दोनों प्रॉमिस करें कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएंगी। वो दोनों प्रॉमिस करती हैं, जिसके बाद ब्री और जोना खुश हो गई थी कि उन्हें फाइनली आजादी मिल जाएगी। लेकिन पूल मैनेजर ने सिक्योरिटी कोड बदल दिया था, जिसकी वजह से पूल नहीं खुलती। क्लेयर उन्हें कहती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती और पुलिस को तो वो बुलाएगी नहीं, क्योंकि वो उस पे ही पहले शक करेंगे कि वो इतने देर से जब यहाँ थी तो इसने पहले क्यों नहीं बताया। वो उन्हें उनकी किस्मत के भरोसे छोड़कर चली जाती है। अगली रात आते आते ब्री कोमा में चली गई थी। अब जोना को हद से ज्यादा डर लग रहा था। वो एक बार को अपनी जान तो दे सकती थी, लेकिन वो अपनी बहन को मरता हुआ नहीं देख सकती थी, और जबकि गलती उसकी हो। वो ब्री को ठोक ठाक के जगा लेती है। तब ब्री उसे बताती है कि उनके डैड की कार की एक्सीडेंट उसकी वजह से ही हुई थी, इसलिए वो आज भी खुद को गिल्टी मानती थी। जोना प्लान बनाती है कि ब्री दोबारा कोमा में जाए उससे पहले वो उस मेटल ग्रेड को उखाड़ देगी। उसने कई बार ट्राई किया, वो ऊपर जाती सांस लेने, फिर नीचे आती उस ग्रेड को उखाड़ती, और बीच बीच में वो आकर ब्री को भी जगाती रहती। ब्री के पास एक टॉवल था जिसे वो ग्रेड में फंसा के उसे उखाड़ देती है, लेकिन अब ब्री बेहोश हो चुकी थी। वो जल्दी से उस पूल कवर के होल के पास गई और उस मेटल ग्रेड से उस कवर को तोड़ने लगी। जब वो थोड़ा सा टूटा तो उसने बाहर जाने का रास्ता बना लिया, जिसमें उसका हाथ भी जख्मी हो गया था। ब्री कोमा में चली गई थी। जोना उसे CPR देकर होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो होश में नहीं आई। जोना ब्री को खींचकर बाहर निकालती है और जाकर जल्दी से उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देती है। इंजेक्शन लगाने के बाद ब्री की हालत थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई थी, तभी वहां अचानक क्लेयर आ गई जो उसके ऊपर गन तानकर खड़ी थी। जोना की हालत देख के वो उसे शूट नहीं करती और गन नीचे कर देती है, जिसे देख के जोना कहती है कि वो क्लेयर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। तब क्लेयर ब्री की रिंग उसे वापस कर देती है। जोना उसे कहती है कि पुलिस यहाँ आए उससे पहले वो यहाँ से जा सकती है, जिसके बाद जोना एम्बुलेंस को कॉल करती है जो आकर ब्री को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं। अब ब्री होश में आ गई थी। जोना उसकी एंगेजमेंट रिंग लौटा देती है और फाइनली यही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।